मोदी वो सीक्रेट वॉज की वो जब यहाँ आया उसने ये पहचाना कि जो ओवरसीज इंडियंस है, कि जो ताकत है, इनकी जो कैपिटल है, इनके पास है, इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त कामयाब हो सकते हैं. ही गेव देम फुल सपोर्ट. उनकी यूनिटी है आपस में, उनकी स्ट्रेटेजी है, एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स. तो व्हाई कांट वी फॉलो दैट. इंडिया में हम उनके बड़े डिफरेंसेस हैं, नॉर्थ के, साउथ के, बंगालियों में, पंजाबियों में बहुत उनके डिफरेंस है, लेकिन जब वो इंडिया की बात आती है, अच्छा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ऐसी मिसाल माजी में नहीं. आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है. तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, यहाँ पर बात हो रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों के द्वारा, जो बाहर बसे हैं पाकिस्तानी, वो बात कर रहे हैं किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद जो ओवरसीज़ इंडियन हैं या ओवरसीज़ जो NRI इंडियंस हैं उनका कद किस तरीके से बढ़ा और उन्होंने किस तरीके से भारत को बिल्ड करने में बहुत हेल्प की और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया. पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब. NRI कहते हैं क्या इनको? जी NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस. आप जो जहाँ रह रहे हैं, वो जो सिलिकॉन वैली है, ये है वो है, वो ही अंडरस्टूड कि इनकी जो ताकत है, इनकी जो कैपिटल है, इनके पास है, इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त कामयाब हो सकते हैं. ही गेव देम फुल सपोर्ट के आओ आप यहाँ काम करो हमारे साथ, उनको लिफ्ट करो, उनको मीटिंग्स करो. आपका आइसोलेशन में आपकी पोजीशन नहीं है. आप जब पाकिस्तान को देखते हैं तो हम अमूमन कहते हैं ये पाकिस्तान की ये पोजीशन है, पाकिस्तान ऐसे लोग हैं, ये हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, ये बड़ी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं. लेकिन हम ये नहीं सोचते हमारा मुकाबला इक्तिसादी, सोशली, पोलिटिकली किसके साथ है. बड़े सगीर में तो इंडिया के साथ है, वो बदकिस्मती से, मैं कहता हूँ बदकिस्मती से. अब आप उसका मुकाबला करें, इंडियन की आबादी यूनाइटेड स्टेट्स में आज इट्स ऑलमोस्ट 5 to 6 million पीपल. आपकी आबादी है 500,000, मे बी 6 लाख है. तो नंबर वन बहुत ही बड़ी आबादी है. नंबर टू, इंडियन ने लास्ट 10-20 साल में फैसला किया कि हम मीडिया को, फिल्मों को, बॉलीवुड फिल्मों को, डिप्लोमैट्स को बड़े अग्रेसिवली इस्तेमाल करेंगे टू प्रमोट आवर पॉइंट ऑफ व्यू एज अ फॉरेन, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी. तो आप देखेंगे बॉलीवुड फिल्म्स की लेटेस्ट जो फिल्म है, मैं तो स्टडी करता हूँ, आप देखेंगे लैविश प्रोडक्शन, शूटिंग उसकी अमेरिका में हो रही है, यूरोप में हो रही है, लेकिन उसमें एक और थीम है. वो थीम है कि एक हॉस्टिलिटी है, पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, वो बार बार आपके सिर टूट रही. आपने क्या किया? और आपका मुकाबला इंडिया के साथ कॉन्स्टेंटली, वो अगर दिन है कहते हैं तो आप कहेंगे रात है, एंड वाइस वर्सा. इंडियंस जो हैं उनका भी यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव. एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन रिलेटेड एजुकेशन बेस माइग्रेशन हुई, वो हमसे पैसे में भी यहाँ ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन, और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकेंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है. आज 5 जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद है, 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि दोनों गवर्नर रह चुके हैं, इंडियन डिसेंट के हैं, निक्की हेली और बॉबी जिंदल. तो उसी तनाजर के साथ जब आप देखते हैं तो इस वक्त व्हाइट हाउस में जो अगर इंडिया, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट का, या अगर आप साउथ एशिया का देखें तो सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन अमेरिकन. कुछ प्रॉब्लम तो यही होने चाहिए ना, तो वो लोग कैसे इस चीज को मेंटेन रखें? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बिकॉज पाकिस्तानी Never compare. वो बस कहेंगे जी इंडिया ऐसा है, हम ऐसे, इंडिया ने वो कहेंगे, और यू नो अमूमन नेगेटिव कमेंट्स ऑन इंडिया. कभी उनको सोचना है संजीदगी से कि उनकी सीक्रेट क्या है सक्सेस की. 1980s, 1970s में हम जब पाकिस्तान में थे, हम हंसते थे, कहते यार देखो ये लोग तो बिल्कुल बैकवर्ड हो गए, हमारी देखो इकोनॉमी कितना अच्छा कर रही है, कोरिया से लोग आ रहे हैं पाकिस्तान देखने के लिए कि पाकिस्तान की मिरेकल क्या है. आपको पता है डॉक्टर साहब, ये आपकी रेपुटेशन थी. इंडिया ने आप स्टडी करें लास्ट 10-20 साल, आई वुड से 20 इयर्स, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किए, हेवी इन्वेस्टमेंट इन अ सर्टेन टाइप ऑफ डिग्री, टेक्निकल, IT, नर्सेज. सो अमेरिका की जो नीड्स थी वो लाखों में इंडिया ने प्रोड्यूस करके यहाँ भेजी. ओवरनाइट इनकी आबादी पहले हमसे कम थी, आपको पता है हमसे कम थी. 1990s में हम बहुत आगे जा रहे थे, आपके डॉक्टर्स बड़े मशहूर थे, एंड दे वर डूइंग वेरी वेल.
लेकिन लास्ट 20 ईयर्स में यहाँ आप इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन फिजिसिस्ट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स, कांग्रेसमैन, सेनेटर बहुत ही तादाद में आ गए, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन द यूथ, नंबर वन. नंबर टू, दे हैव बीन यूनाइटेड. तो अगर एक जगह है खाली, हुए एक दूसरे को प्रमोट करें. आपकी अनफॉर्चुनेटली, आपको पता है वो फेमस पंजाबी सेइंग, ना खेलेंगे ना खेलेंगे देंगे. आप जो इंडिया का पूछ रहे हैं, इंडिया में हम उनके बड़े डिफरेंसेस हैं, नॉर्थ के साउथ के, बंगालियों में पंजाबियों में बहुत उनके डिफरेंस है, लेकिन जब वो इंडिया की बात आती है तो सब यूनाइट होता है, यूनिटी होती है. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात. वी हैव टू लर्न, वी हैव मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम इंडिया. आप आइसोलेटेड हैं, यू नीड टू बिल्ड अप योर कॉन्टैक्ट्स थ्रू योर नेटवर्क्स. नंबर टू, स्ट्रेटेजिक नेटवर्क्स का मतलब ये है, अब जैसे देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड हिंदूज फॉर मॉडरेशन अमेरिका में, उनके साथ अलायंसेस, मेक अलायंसेस विच विल स्ट्रेंथन यू, सो दैट जब आप खड़े होते हैं तो आपके आपके खिलाफ ऑपोजिशन मिनिमम होती है, बिकॉज राइट नाउ तो ऑपोजिशन बहुत है, तो दे विल चेक यू एंड दे विल स्टॉप यू. मुझे याद है एक ब्रिगेडियर साहब होते थे पाकिस्तान के, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वो हैदराबाद दक्कन के थे. तो वो मुझे कहते थे कि जब हम देहरादून स्कूल में थे बिफोर पार्टीशन, ही सेड कि हम जब ये रिजल्ट्स आती थी, एनुअल रिजल्ट्स, हम देखते थे कि जितने स्टूडेंट्स थे क्लासेस में, मैथमेटिक्स में, ज्योग्राफी में, वो थे पटेल, गुप्ता, और हम मुसलमान बड़े नीचे होते थे. जब स्पोर्ट्स की लिस्ट लगती थी ब्लैक बोर्ड पर, तो हम देखते थे कि वो रहमान और चुगताई और खान टॉप होते थे. तो इससे हमें बड़ा फख्र होता था कि देखो हम हिंदुओं से इतने आगे. बट ही सेड, अब देखो 20 साल 50 साल बाद, वी हैव फॉलन बैक एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ हमारी एम्फेसिस वाज ऑन द रॉन्ग थिंग्स. ये आपको हिस्टोरिकल में एक ग्लिम्स बता रहा हूँ, माशरे का एक उस तरफ जा रहा था, एक इस तरफ. और इंडिया की अगेन टू लर्न फ्रॉम देम, टू गिव देम क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, 47 के बाद उनका इतना एम्फेसिस था, ये जो थी ना इनकी इंस्टीट्यूट्स ने बनाई ऑल ओवर इंडिया, इन टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट, टॉप लेवल हाई एजुकेशन, हाई इंस्टीट्यूट, साइंटिस्ट पैदा करो, फिलोसफर्स और फिजिसिस्ट पैदा करो, उनको यहाँ सिलिकॉन वैली टुडे आप देख रहे हैं कितने सीईओज हैं जो. तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही थी. भारत के जो NRI है, या पाकिस्तान में इनको ओवरसीज बोला जाता है, ओवरसीज पाकिस्तानी बोलते हैं, ऐसा इंडिया में वर्ड यूज़ कर सकते हैं ओवरसीज इंडियन, वो जा रहे हैं US, वो जा रहे हैं दूसरे देशों में, वहाँ से जाकर वो एजुकेशन हासिल करते हैं. आपको पता होगा दोस्तों, US में जितने भी भारतीय गए हैं, या इजरायली गए हैं, या चाइनीज़ गए हैं, या इंग्लैंड के लोग गए हैं, उसमें अगर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेशन में आगे हैं, तो वो इंडियन हैं. उसके बाद आते हैं इजरायली. तो आप समझ सकते हो, भारत के स्टूडेंट को अगर उन पे प्रॉपर क्वालिटी वाला एजुकेशन उन पे इन्वेस्ट किया जाए, उन पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है दुनिया में सबसे ज़्यादा. तो ये काफ़ी प्राउड फील करने वाली बात है हमारे लिए. और अगर ऐसा एजुकेशन उनको भारत में मिलने लगे, और ऐसा इन्वेस्टमेंट, और ऐसा मतलब उन पे उनके जो दिमाग को ग्रूम करने के लिए इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो, तो डेफिनेटली इंडियन बहुत आगे निकल जाएंगे. और आपको पता होगा, भारत के जो मतलब मल्टी मिलीनियर कंपनी है, उनमें CEO, ट्विटर देखें आप, गूगल देखें, और बहुत सारी मतलब तो काउंट कर ही ना पाए आप, इतनी सारी कंपनी में इंडियन बैठे हुए हैं. तो इंडियन का जलवा तो है. अब पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमारे इंडियंस बहुत ज़्यादा नंबर में, नंबर से ज़्यादा नहीं होता है, नंबर मैटर नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि आप बेसिकली चाहते क्या हैं. पाकिस्तान के लोग ओवरसीज़ में जाकर वहाँ पर रहकर, वहाँ पर रहना चाहते हैं, वहाँ पर वो बस रहकर खाना पीना और अपना जीवन गुजारना चाहते हैं. उनका ये इंटेंशन नहीं रहता कि भाई हम जा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग भी नहीं आगे, पाकिस्तान के लोग भी आगे, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लोग भी आगे, क्योंकि आप इंडिया पाकिस्तान का जो अगर थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो DNA सेम ही मिलेगा. तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई अलग से दुनिया से आए हैं तो उनका दिमाग कम होगा, भारत के लोगों का दिमाग ज़्यादा होगा. बहुत दूर तक जाएंगे तो एक ही मिलेगा. तो पाकिस्तान के लोग भी आगे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर आपने देखा होगा, भारतीय दुनिया में अगर इंग्लैंड में पाकिस्तान के लोग बुद्धा रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं, मतलब इंडियन नाम से उनका रेस्टोरेंट है, अंदर पाकिस्तानी बैठा हुआ माल बना रहा है, इस तरीके के ये कांड करते हैं. और ये चीज़ें मैं कोई ऐसा हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, ये चीज़ें फैक्ट के साथ मौजूद हैं. तो आप समझ सकते हो, पाकिस्तान के लोग भी आगे हैं, पाकिस्तान के भी डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तान के भी इंजीनियर्स हैं, बट एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम है. आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट और मेरी राय दें, चैनल को